है, मेरे को अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ, क्योंकि आज सिर्फ डाउट क्लास ही लेंगे अपन, क्योंकि कल से फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है कोई, ठीक है? तो मैंने बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कि कोई भी सही तरीके से काम करना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम जो काम करते हैं वो क्या स्टेप्स लेते हुए चलना, SDLC के स्टेप लेते हुए साथ में चलना, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ध्यान क्या क्या रखा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, टाइम का, स्कोप का और कॉस्ट का, तीन चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए चलते हैं, टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट होता क्या है। तो प्रोजेक्ट क्या है, एक वेल डिफाइंड टास्क है जो क्या कलेक्ट करता है, सेवरल चीज़ों को कलेक्ट करता है, या फिर उसका गोल सेट होता है। उन जैसे गोल में क्या आ गए आपके, कि जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है वो क्या है, टाइम, कॉस्ट और स्कोप को लेते हुए चलना है। तो आपका गोल क्या हो गए, तीन चीज़ें हो गए, टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट, ठीक है? तो गोल को साथ में लेते हुए चलना, और एक करेक्टराइज फॉर्म में उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है? अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कि एक स्टेप बाय स्टेप उसमें चलना, जैसे एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप में चलते हैं, उसके बाद हम उसकी कोडिंग बनाते हैं। तो हमें नीड क्या पड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो जितने भी पहले प्रोजेक्ट बन रहे थे उनका क्या होता था, हम कॉस्टिंग या टाइम पहले लगा लेते थे। तब क्या होता था, जब हम कॉस्टिंग और टाइम पहले लगा लेते हैं, जब वो बन के आता है तो क्या होता था, टाइम एंड कॉस्ट ढंग से नहीं बैठता था उनका, ठीक है? कुछ चेंजेस आ जाते थे, या तो टाइम कम लगता था, कम टाइम में ख़त्म हो जाता था, तो अच्छा होता था। बट अगर कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो ज़्यादा टाइम में ख़त्म हो रहा है, या फिर कॉस्ट हमने जो लगाई है उससे ज़्यादा ले रहा है, तो उसमें दिक्कत होती थी। तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीड पड़ी, कि भाई एक टीम होनी चाहिए ऐसी कि जो सब कुछ मैनेज करे। प्रियांशी, वो स्क्रीनशॉट लेते रहना ना। तो क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसी टीम होनी चाहिए कि जो सब कुछ मैनेज करते हुए चले, ठीक है? तो सब कुछ मैनेज जब करते हुए चल रहे थे वो, तो टाइम टू टाइम हमारे टास्क पूरे होने लगे, और एक टीम थी, हर मैनेजमेंट उस पर एक टीम थी, तो वो क्या कर रही थी, सब चीज़ें साथ में लेते हुए चल रही थी। तो उससे क्या हुआ, एक तो हमारे प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बढ़ गई, दूसरा हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होने लगा, तीसरा जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं लगभग लगभग उसी के आसपास हमारा बैठता था सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो इसलिए हमें नीड पड़ी उसकी। तो देखो क्या क्या चीज़ें इसमें साथ में लेते हुए चल रहा है, वो टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है? क्वालिटी क्या होता है, कि एक वैसे क्या होता है, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक काम होता है कि हम बहुत उससे तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्लेसमेंट की ले लो, ठीक है? एक तो कोई तैयारी कर रहे हो आप 1 महीने से, दूसरा क्या है, दूसरा आप जो तैयारी कर रहे हो वो क्या था, मैम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक, बिकॉज आई, ठीक है, मैं इसके बाद एस्टिमेशन टेक्निक्स ले लूँगी, ठीक है? तो दूसरा क्या होता है, जो आप काम कर रहे हो 1 दिन में तैयारी कर रहे हो प्लेसमेंट की, तो क्वालिटी किस में आएगी, जो आप 1 महीने से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो उसमें आएगी। आप अपना बेस्ट किस में दे पाओगे, जो बच्चा महीने भर से तैयारी कर रहा है, ये नहीं होगा कि 1 दिन में वो तैयारी करके और प्लेसमेंट ले लेगा, ठीक है? तो हमें तीन चीज़ें ध्यान रखते हुए चलनी चाहिए, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। एंड स्कोप तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फ्यूचर स्कोप है उस चीज़ का, तभी हमारा प्रोजेक्ट आगे काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब आता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैनेज करता है, ठीक है? तो मैनेजर्स हमने रखे हुए होते हैं, फर्स्ट जो मैनेजर होता है वो मेन होता है, वो अपनी सारी छोटी छोटी टीम को मैनेज करता है। वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमारा टीम लीडर बना देता है। टीम लीडर क्या करता है, अपनी टीम को मैनेज करता है। मतलब तुम क्या हो, जो काम कर रहे हो, पूरी टीम हो, ठीक है? तुम किसको बताओगे, मेरे को बताओगे कि इतना काम कंप्लीट हो गया है। मैं किसको बताऊंगी, मेरे ऊपर मैनेजर को बनाऊंगी, जैसे मेरे HOD हो गए। और मैनेजर को मैनेजर्स कौन कर रहा है, जो प्रोजेक्ट का हेड है वो। तो मैनेजर हो गए अपने HOD, टीम लीडर हो गई मैं तुम्हारी, और जो स्टूडेंट्स हो, जो मतलब टीम काम कर रही है वो हो तुम लोग। तो एक ऐसी चेन चलती जाती है, और चेन के हिसाब से ही सारा काम होता जाता है, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर क्या मॉनिटर करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट वेरियस प्लान्स, ठीक है? अब दो टाइप से वो मैनेज करता है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर मेन होती है। फर्स्ट क्या होती है, मैनेजिंग पीपल, एंड सेकेंड इज मैनेजिंग प्रोजेक्ट। मैनेजिंग पीपल में क्या आता है, प्रोजेक्ट लीडर लाइसन विथ के
स्टेकहोल्डर्स, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेटिंग अप रिपोर्टिंग हायरार्की। देखो मैनेजिंग पीपल में क्या आ गया, जो पीपल से रिलेटेड वर्क है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट लीडर है उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करना, जो वो काम बोल रहा है वो आप लोगों को बताना। सेकेंड थिंग कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं हमारे, जो भी फाइनेंशियली हमारी हेल्प कर रहे होते हैं या फिर हमारे प्रोजेक्ट में जिन्होंने पैसा लगाया होता है उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो उससे क्या है, बात करते रहना और एक उसको मैनेज करते हुए चलना, वो भी किस में आता है, मैनेजिंग पीपल में। देन आता है हमारा मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, सेटिंग अप, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है, जो भी आपने ऊपर वो डाली थी चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलना। सेटिंग अप रिपोर्टिंग हायरार्की। रिपोर्टिंग हायरार्की में क्या होता है कि जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक काम हो रहा है, मतलब छोटी टीम स्टूडेंट से लेकर, देन टीम लीडर से लेकर, टीम लीडर के बाद तुम्हारा एचओडी हो गया, एचओडी के बाद क्या है जिसको रिपोर्ट करनी है तुम्हें वो हो गया, तो यहाँ तक जो चारों पांचों स्टेप है उसको मैनेज करते हुए चलना ही क्या होता है हायरार्की में काम करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मना मैनेजिंग प्रोजेक्ट। अब बंदों को तो मैनेज कर लिया कि कैसे काम करना है या कैसे नहीं करना है, ठीक है, अब वो बंदे काम क्या कर रहे हैं उसको मैनेज करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप साथ में लेते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कोप साथ में लेते हुए चलना। सपोज आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक साल का है, तो वो क्या होता है कि एक साल में कस्टमर की नीड चेंज हो जाती है या फिर मार्केट में कुछ नया आ जाता है। जैसे अब तो कभी भी 5-6 दिन में पता लग जाता है हमें, भाई ये मार्केट में नया आया है, इसकी डिमांड है, तो उस हिसाब से काम करना। जब जब आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा तब तक आपको उसकी स्कोप, प्रोजेक्ट की स्कोप साथ में लेते हुए चलना होता है। देन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, देन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया, आपका प्लानिंग आ गई, स्कोप आ गई या डेवलपमेंट प्रोसेस, ये जितना भी काम आप नीचे टीम लीडर्स को दे रहे हैं वो सब किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट एक्टिविटी में। देन उसकी प्रोग्रेस को नोटिस करना कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डेली टास्क में क्या कर रहे हैं, और जो जो डेली टास्क कंप्लीट हो रहा है उसका रिस्क एनालिसिस फेस साथ में लेते हुए चलना, जिससे आगे जाके कुछ भी ऐसा नहीं आए जो कि हमें बाद में सिक्योरिटी पे इशू आए। तो साथ के साथ हर फेस को चेक करते हुए ही हम आगे चलते हैं। नेसेसरी आउटकम्स या जो भी प्रॉब्लम उनको अवॉइड करते हुए चलना, या फिर ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनको हम हटा ही देते हैं प्रोजेक्ट से, ठीक है। और एक्ट एज अ प्रोजेक्ट स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन मीन जैसे टीम लीडर क्या करता है कि आपको मोटिवेट करता है कि भाई ऐसा काम करो ऐसे काम करो, तो मैनेजर क्या, मैनेजर का क्या काम हो गया आपको कि टीम लीडर को मोटिवेट करना, देन टीम लीडर क्या करेगा कि आप लोगों को मोटिवेट करेगा। तो हमें प्रोजेक्ट का स्पोक पर्सन चलते हुए काम करना है। देन क्या पूछा था, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स, ठीक है, तो हम उस पर चलते हैं प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स पे। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रोजेक्ट फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, इसके बाद उठाएंगे इसको। ठीक है, ये आती है आपकी, इससे पहले मैं आपको ना वो सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग भरते रहिएगा अटेंडेंस फॉर्म। डाउट है, प्रांजी ने पूछा है कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स क्या होता है। तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की टेक्निक है दो टाइप की होती है, फर्स्ट होती है डिकम्पोजिशन टेक्निक एंड सेकेंड इज एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक। तो डिकम्पोजिशन टेक्निक में हमारी दो चीजें इंक्लूड होती है, फर्स्ट इज लाइन ऑफ कोड्स दैट इज LOC एंड सेकेंड इज फंक्शन पॉइंट्स। और एम्पेरिकल टेक्निक में क्या इंक्लूड होता है, पूतनम मॉडल एंड कोकोमो मॉडल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं डिकम्पोजिशन टेक्निक की तरफ। डिकम्पोजिशन टेक्निक में क्या है, आपका लाइन ऑफ कोड फर्स्ट पॉइंट। तो लाइन ऑफ कोड में क्या हो रहा है, एस्टिमेशन इज डन ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब इसमें एस्टिमेशन किस हिसाब से लगता है हमारा, कि जो जितना हमारा प्रोजेक्ट की लाइन्स है, जितना हम डेवलपमेंट में लाइन्स यूज कर रहे हैं, सपोज 10,000 लाइन है या 5,000 लाइन है, और वो कैसे कैसे कम हो सकती है, या फिर वो उसका कॉस्ट और टाइम कैसे मैनेज हो सकता है, वो साथ में लेते हुए हम किस में चलते हैं,
लाइन ऑफ कोड में। देन आता है हमारा फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट में क्या होता है कि जो एस्टिमेशन है वो किस पे नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स में डिपेंड होता है। ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड होता है हमारा, एक तो लाइन ऑफ कोड हो गया डिकम्पोजिशन टेक्निक और एक हो गया हमारा फंक्शन पॉइंट। अब लाइन ऑफ कोड को एब्रीवेटेड फॉर्म है LOC। सेकेंड इज, इसमें क्या होता है कोड बेस को इवेल्युएट करा जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड इज कि जो इसका जनरल आइडेंटिफायर है वो क्या करता है, जैसे अगर छोटे छोटे पार्ट्स में हमने प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होगा, लास्ट में जाके हमें मर्ज करना होगा हमारे प्रोग्राम। तो एक आइडेंटिफायर है वो हमेशा साथ में चलता है जो कि एडिंग अप के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कितने टाइप्स हमारा प्रोजेक्ट एसेस कर सकते हैं हम। देन कि जो हमारा वेरिएशंस आता है लाइन ऑफ कोड में, ठीक है, तो वो किस हिसाब से एनुमेरेट करेंगे हम, सोर्स लाइन ऑफ कोड दैट इज SLOC। ध्यान रखना कि जो एनुमेरेशन होगा कोड का, ठीक है, एनुमेरेशन तो होगा SLOC के हिसाब से, जो KLOC है KLOC में हम मेजर उसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द LOC इज ऑफन यूज इन दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेयर डेवलपर्स एंड अदर रिलेटेड पर्सनल टॉक अबाउट वेदर बिगर इज बेटर। देखो, अब दो टाइप से मैंने इसको बताया था कि या तो कोड क्या है बड़ा है तो बेटर है, या फिर डाइट, गो ऑन अ डाइट मीन्स कोड छोटा है तो बेटर। अब बड़ा हो तो कैसे बेटर है और छोटा हो तो कैसे बेटर है, बड़ा इसलिए बेटर है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में ईजी होता है, एंड छोटा कैसे बेटर है कि जितनी लाइन कम होंगी उतना हमारा कॉस्ट एंड टाइम क्या होगा, कम होगा। तो दोनों तरफ से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हम बिगर इज बेटर पे काम करेंगे, बट अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं पर्टिकुलर एंड कोई बड़ा फर्म है तो हम किस पे काम करेंगे, गो ऑन ए डाइट पे। ठीक है, देन इसकी यूनिट होती है KLOC NLOC एंड KDSI। अब एडवांटेज क्या होते हैं इसमें कि एक तो सिंपल होता है, डेवलपर पर्सपेक्टिव से गुड होता है ये, ठीक है, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स कि इजीली सबको समझ आ जाता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके कि एक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं है इसकी कोई भी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कि अर्ली स्टेज पे ही काम कर सकता है ये, ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये हैंडल नहीं कर सकता है। देन कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स पे डिपेंड करती है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा डिकम्पोजिशन टेक्निक का, दैट इज FPC। FPC पे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, FPC में क्या क्या एनालिसिस होते हैं कि एक तो ये नंबर ऑफ काउंट, फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ काउंट करते हैं। देन क्या होता है कि जो हम निकालते हैं कंप्यूट द अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स। ये आपको जो पांच पॉइंट दे रखे हैं किसके, जो हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म किया था उसके पॉइंट है। सबसे पहले काउंट करेंगे, देन UFP अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को कंप्यूट करेंगे, देन हम टोटल डिग्री निकालेंगे। टोटल डिग्री कैसे निकालते हैं हम कि जो निकल गया हमारा उसको सबको प्लस करके। ठीक है, देन हम वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर पे काम करते हैं जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, देन फंक्शन पॉइंट काउंट लास्ट में हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होती है, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट इंक्वायरी फाइल एंड इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था इसका, ये रहा। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें निकालना था कॉस्ट पर फंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्टिविटी एंड फंक्शन पॉइंट निकालना था। इनपुट आउटपुट हमें दे रखा था, क्वेरीज हमें दे रखी थी। ठीक है, हमने क्या किया, जो फर्स्ट पॉइंट हमने निकाला इसमें वो क्या किया था, काउंट दे रखा है, काउंट इंटू जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ काउंट है, तो 24 × 4, 46 × 4, 8 × 6, 4 × 10, एंड इनका जो टोटल है वो क्या आ गया हमारा, 378। ठीक है, और नंबर ऑफ काउंट कितने थे, 4, और खुद जो एक्सटर्नल इंटरफेस है उसने किसको काउंट किया, 5 को। तो ये आंसर आ गया था 5 = 10, 378 हमने निकाला था इससे काउंट और टोटल। ठीक है, अब सम ऑफ FI निकाला था, दैट इज σFI निकाला हमने। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, काउंट टोटल जो कि हमारी वैल्यू थी 378, देन 0.65 प्लस 0.01 और σFI। तो हमारे σFI की वैल्यू निकली थी 43 और इससे हमारा आंसर आ गया था। ऐसे ही हमें टोटल पेजेस ऑफ जब डॉक्यूमेंट निकालने थे तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्लस यूजर डॉक्यूमेंट करके हमारा आंसर आया 387 पेजेस। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या निकालना था, पर पेज का कॉस्ट, तो पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अपॉन फंक्शन पॉइंट की वैल्यू रख दी, तो 0.94। ठीक है, ये हमने किया था इसका छोटा सा एग्जाम्पल। देन हमने डिफरेंशिएशन किया FP एंड LOC का। तो FP क्या है, एक स्पेसिफिकेशन, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन पे बेस्ड है, जबकि जो LOC क्या है, वो एनालॉजी पे बेस्ड है। सेकेंड पॉइंट कि ये यूजर ओरिएंटेड होता है और वो डिजाइन ओरिएंटेड होता है।
ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब कि कोई भी लैंग्वेज पे काम कर सकता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज कोई भी डिफाइन नहीं करती है, जबकि एलओसी में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही आपको काम करना पड़ता है। जब एफपी पे हम काम करते हैं तो वो आगे जाके हमें एलओसी पे ही काम करना पड़ता है, जो लास्ट में हम निकालेंगे वो एलओसी के थ्रू ही निकालेंगे, ठीक है। जब और जब एलओसी पे काम करते हैं तो जब बैक फायरिंग, मतलब बैक फायरिंग मीन्स कोई भी एरर या हमारे उसमें दिक्कत वार्निंग वगैरह आ जाती है, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं एफपी में। मतलब एलओसी एंड एफपी आर को रिलेटेबल, हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। देन आती है एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, इसमें इंक्लूड होता है हमारा पुटनम मॉडल और देन होता है कोकोमो मॉडल। पुटनम मॉडल अभी तक आप लोगों के नहीं आया एग्जाम में, एंड कोकोमो मॉडल हर साल रिपीट होता है, तो मैंने बोला था कोकोमो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोमो मीन्स कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। कोकोमो मॉडल तीन टाइप से कैटेगराइज था, हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। और जो आपके टाइप्स थे इसके वो क्या थे, बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल एंड डिटेल। तो बेसिक में हमने क्या निकाला था, एफर्ट एंड टाइम निकाला था, ठीक है, एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम को क्या बोला गया था, टी डी ई वी, ठीक है। और एफर्ट निकालने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो किस में हम यूज़ कर रहे हैं, टी डी ई वी में। ऐसे जब इंटरमीडिएट निकाला था, इंटरमीडिएट में हमने डेवलपमेंट टाइम और उसका ग्राफ शो किया था। देन हमने डिटेल निकाला था, डिटेल में हमने क्या क्या वैल्यू डाली थी कि जो बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कवर करते हुए चल रहा है वो क्या था हमारा, डिटेल कोकोमो मॉडल, जिसमें हमारे 6 फेसेस थे और इन 6 फेसेस के थ्रू ही हम काम कर रहे थे सारा, ठीक है। पुटनम मॉडल क्या था, पुटनम मॉडल में हम ये लॉरेंस ने डिस्कवर किया था, नॉर्डन रे लाइट पे ही ये डिपेंड करता है, जितनी भी ये वैल्यू निकालता है नॉर्डन रे लाइट के थ्रू ही निकालता है। इसमें तीन मेन चीजें हमें ध्यान रखनी थी, टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक थी, और जो हमने पहले पढ़ा एलओसी एंड एफपी वो था हमारा डिकम्पोजिशन एस्टिमेशन टेक्निक। अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं हम, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस तो अभी समझा ही दिया आपको, स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल पे चलते हम। मेरे को एक बार स्लाइड नंबर बताओगे कहाँ लिखे हैं स्पेसिफिकेशन प्रिंसिपल? मैम फॉर्म कब तक सबमिट करना है, क्लास के एंड तक कर दो, लास्ट में 5 मिनट और दे दूंगी एंड करने के बाद, पर थोड़ा क्या बड़ा है आज फॉर्म, तो हो सके तो करते जाना, जिसके डाउट क्लियर होते जा रहे हैं वो तो करते ही जाओ। मेरे को एक बार शेड्यूलिंग प्रिंसिपल का वो बताना कौन से पेज पे है यार। फॉर्म नहीं मिला, देखो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम क्या ध्यान रखते हैं, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट शेड्यूल होता क्या है। प्रोजेक्ट शेड्यूल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और टास्क से को रिलेट कर सकते हैं जो भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि क्या है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो 7 फेसेस में काम कर रही हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 7 फेसेस में काम कर रहा है। पहला फेज क्या है, प्लानिंग, तो मेरी प्लानिंग टीम अलग होगी। सेकेंड फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन वो टीम अलग होगी, ऐसे ही लास्ट 7 तक हमारी टीम अलग होगी। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल बेसिकली है क्या कि हम जो टीम्स बना रहे हैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए वो टाइम टू टाइम काम करे, एफर्ट एंड टाइम कॉस्ट का ध्यान रखते हुए चले। सेकंड थिंग इज कि जो टाइम दिया है ठीक है उस पर टास्क हमें कंप्लीट करके दे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल को साथ में लेते हुए चलना ही प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना, तो वो क्या कहलाता है हमारा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और एक अफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, जो कि एक प्रोजेक्ट के सक्सेस पे ध्यान दे। सेकंड इज
उसकी कॉस्ट हमेशा कम रखे जो कि प्लानिंग में यूज आई थी, एंड थर्ड इज कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखे, मतलब उसके फीडबैक के या नीड्स के हिसाब से ही सारा काम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट जो होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में, वो उसे हम बोलते हैं गैंट चार्ट। ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्टिविटीज को वो सबसे पहले पता कराते हैं, देन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी पे काम करते हैं। जब एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी पे काम कर रहे होते हैं, देन क्या होता है, एस्टिमेट रिसोर्स पे काम करते हैं। जैसे क्या हो गया, जब हमने आइडेंटिफाई करी कोई भी एक्टिविटी की, इत 8 एक्टिविटी पे मैं काम कर रही हूँ जब प्रोजेक्ट मैम शेड्यूलिंग। हाँ बताओ। हेलो मैम, आप एक बार प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग रिपीट कर देंगी? क्या होता है शॉर्टली? ठीक है, जो प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, देखो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल पे काम करता है। प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक्चुअल टाइम टेबल साथ में लेते हुए चलना विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन्स, ठीक है। अगर हम इसको डेली बेसिस के उससे जोड़े हम, तो हमारा टास्क क्या है अभी कि हमारी यूनिट्स कंप्लीट करना, एंड यूनिट आपके समझ आ गए, ठीक है। तो मेरा क्या है, ये एक प्रोजेक्ट मुझे दिया हुआ है, सपोज मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आपकी ना 5 दिन में यूनिट 2 कंप्लीट करानी है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अब मैंने एक टाइम टेबल बनाया और एक सेट किया चीज की, रोज मैं इतना इतना पढ़ाऊंगी, और इसके हिसाब से चाहे उसमें क्या डाउट क्लास भी रखेंगे हम अलग, और क्या करेंगे हम इनिशियल बच्चों से पूछ भी लेंगे कि भाई जो कल तुमने समझ नहीं आया था वो तुम पूछ लो, कुछ फीडबैक भी ले लेंगे और फॉर्म भी सेंड कर देंगे। मैंने क्या किया, अपने जो पर्टिकुलर दिन का टास्क है उसको डिवाइड कर दिया। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल भी क्या होता है, जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है उनको पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करना प्रोजेक्ट शेड्यूल कहलाता है। और अगर कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। समझ आया? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। अब क्या होता है कि जो इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है, मतलब एक अच्छी जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है, 3 टास्क पे हमारे डिपेंड होती है। फर्स्ट इज सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, सेकेंड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, एंड थर्ड इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स जो हमने डिसाइड किया था जिस टाइम पे हम काम करने वाले हैं उस टाइम पे कंप्लीट हो जाना। कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट मीन्स जो प्लानिंग के वक्त हमने कॉस्टिंग बिठाई थी वो कॉस्टिंग से कम ही काम चल रहा है। एंड थर्ड इज कि जो हम कस्टमर से बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूलिंग प्रोसेस। शेड्यूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले एक्टिविटीज का हम पता लगाते हैं, फिर उन एक्टिविटीज पे कैसे काम करना है। मतलब जो मैंने अपना एग्जाम्पल बताया था कि यूनिट 5 में को जैसे 5 दिन में कंप्लीट करानी है, तो मैं क्या करूंगी कि इस यूनिट 5 में भाई ये टॉपिक है, तो वो क्या हो गई मेरी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो गई। अब जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज में मैंने क्या किया, फॉलोइंग डिपेंडेंसी करी कि भाई मेरी क्लास में क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है, कि बच्चों को डाउट भी आ सकते हैं, हो सकता है कनेक्टिविटी इशू हो सकता है कि एक दिन क्लास लगे ही ना किसी कारण से, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे कुछ ऐसा डाउट पूछ ले कि मैं नया टॉपिक पढ़ा ही ना सकूं। तो मैं क्या करूंगी, पॉसिबल डिपेंडेंसी को साथ में लेते हुए काम करूंगी कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे कैसे कंप्लीट कराना होगा। देन क्या होता है आपका एस्टिमेट रिसोर्स। एस्टिमेट रिसोर्स में क्या होगा, जो भी मैंने डिपेंडेंसी करी कि अगर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, लाइट चली गई तो ऐसा होगा। अब डिपेंडेंसी के हिसाब से हमें रिसोर्स इकट्ठा करने हैं, तो मैं क्या करूँगी कि लैपटॉप ले आऊंगी कि अगर लाइट चली भी गई तो इनकी क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी कि एक अपना वाईफाई उस पर रखूंगी कि अगर ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया तो ये मैं दूसरा वाला कनेक्ट कर लूंगी। क्या होते हैं डिपेंडेंसी, उससे रिसोर्सेस को हम इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है। नेक्स्ट क्या होता है, असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटी। अब मैं क्या करूंगी, जब मेरे को पता लग गया कि ये डिपेंडेंसी है मेरे प्रोजेक्ट में, ऐसे ऐसे मुझे रोज का काम शेड्यूल करना है, तो मैं लोगों में उसको बांट दूंगी, तेको ये पढ़ाना है, तेको ये पढ़ाना है, तेको ये पढ़ाना है, कैसे भी 5 दिन में कंप्लीट करानी पड़ेगी। तो ये क्या किया मैंने, पीपल असाइन कर दिए, किस चीज के लिए असाइन कर दिया, मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। जब सारा काम हो गया तो मैं चेक करूंगी किसने कितना काम किया, किसने कितने नेटवर्क के रेंज में काम किया। जैसे क्या होता है, बार चार्ट बनाते हैं, तो बार चार्ट में क्या होता है, इतना परसेंट इसका काम कंप्लीट हो गया, इतना उसका। तो हम भी क्या करेंगे, एक्टिविटी नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसमें शो करेंगे कि जिसने कितना काम किया, डेली बेसिस पे क्या हो रहा था और कंप्लीशन किसका हुआ या नहीं हुआ, देन उसको बार चार्ट में कन्वर्ट करके आगे शेड्यूलिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया सबको कि क्या होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, यही इसका प्रोसेस होता है जो अभी मैंने पूरा बताया।
देन क्या क्या प्रॉब्लम अराइज आती है इसमें हमें, फर्स्ट कि हार्डवेयर आपका फेल हो सकता है, सेकंड थिंग कि कोई भी जो अपने बंदे रखे हैं अपने टीम में वो क्या हो सकते हैं, कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, कोई भी बीमार पड़ सकता है, या फिर मैंने जो रिसोर्स मंगाए हैं वो कम भी पड़ सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, बट कम पड़ सकते हैं, तो ये दिक्कत वाला काम हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका किसको चार्ट के फॉर्म में डिवाइड, चार्ट के फॉर्म में बनाना देन डिवाइड कर देना सब में, तो उसमें भी क्या होती है दिक्कत होती है कि कोई सोचता है कि मेरे पास कोडिंग का काम आ गया तो भाई सबसे महंगा काम तो मेरे पास ही आया, किसी के पास डिजाइनिंग का आ गया, किसी के पास टेस्टिंग का आ गया, तो उसमें भी क्या आती है थोड़े से इश्यूज आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में काम। और एडवांटेज क्या क्या होते हैं, सिंपल होता है, ठीक है, जब टास्क कंप्लीट होता है तो वो डिपेंडेंसी एंड डेडलाइन को साथ में लेते हुए चलता है। थर्ड इज कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का इशू बहुत कम अराइज होता है। देन कि रिलेशनशिप होते हैं आपस में हर फेस में, ठीक है, जिससे कि प्रोसेस और प्रोग्रेस का पता चलता जाए। देन क्या होता है कि हमारे जो इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। और बताओ किसको क्या डाउट है, और बताइए आप लोगों के डाउट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताते जाओ, 5 मिनट बचे हैं, और फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दो। किसी को कोई डाउट है और अनम्यूट कर दिया मैंने सबको, एक बार डाउट बता दो जल्दी से। आयशा, गौरव सिंह, मानस, मोहम्मद, मोइनुद्दीन, मिहिर, हेलो, हाँ जी, हेलो मैम, अभी हम फॉर्म भर रहे हैं। प्रिंस झा, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो फॉर्म भर लो जल्दी से, फिर अपन क्लास ओवर करते हैं अपन, ठीक है?